हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ खुशी और मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ फ्रेंड्स कि जैसे आप इंस्टाग्राम पे किसी को रिप्लाई करते हैं, स्वाइप रिप्लाई, आप देख सकते हैं मैंने ये मैसेज कर रखा है। अब यहाँ से मैं किसी को भी ऐसे स्वाइप रिप्लाई करूँगी, कोई स्पेसिफिक मैसेज का मुझे अलग से रिप्लाई करना है फ्रेंड्स। सो यहाँ पर अगर आपके ये ऑप्शन नहीं आ रहा है स्वाइप रिप्लाई का, आप कोई स्पेसिफिक मैसेज के ऊपर कोई नहीं कर सकते मैसेज, तो आप इस ऑप्शन को कैसे लाएं, स्वाइप रिप्लाई ऑप्शन को कैसे लाएं, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। सो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अपने मोबाइल में प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद है फ्रेंड्स, आपको सर्च बार में इंस्टाग्राम सर्च कर लेना है। इंस्टाग्राम सर्च करने के बाद है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको अपडेट बता रहा है इंस्टाग्राम, तो आपको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने से है फ्रेंड्स, आपको कई न्यू फीचर्स प्रोवाइड हो जाते हैं इंस्टाग्राम में, इसलिए आपको अपडेट कर लेना है इंस्टाग्राम को। अपडेट करने के बाद है फ्रेंड्स, यहाँ से बैक आ जाना है। और बैक आने के बाद है फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आ जाना है। मोबाइल की सेटिंग में आने के बाद है फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर है ऐप मैनेजर का ऑप्शन मिल जाता है, या आपके मोबाइल में ऐप्स एप्लीकेशन नेम से भी मिल सकता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद जितने भी ऐप्स हैं आपके मोबाइल में सारे आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। सो उनमें से आपको इंस्टाग्राम पर क्लिक करना है और यहाँ पर स्टोरेज पे क्लिक कर देना है और क्लियर कैच का ऑप्शन मिल जाएगा, ओनली क्लियर कैच पे ही आपको क्लिक कर लेना है। क्लियर कैच पे क्लिक करने के बाद है, अभी दो स्टेप फॉलो करने के बाद है फ्रेंड्स, आपको अब आपको लास्ट स्टेप क्या करनी है, आपको एक बार देख लेना है आपको स्वाइप रिप्लाई का ऑप्शन मिल गया है या नहीं। अगर फिर भी आपको वो ऑप्शन नहीं मिला है फ्रेंड्स, तो आपको लास्ट स्टेप क्या करनी है, प्रोफाइल में आके थ्री डॉट में आ जाना है और सेटिंग में आ जाना है। सेटिंग में आने के बाद है फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन मिल जाता है, हेल्प वाली ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पर रिपोर्ट ए प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको रिपोर्ट प्रॉब्लम विदाउट चेकिंग का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद है फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके और आपको कोई भी चैट का स्क्रीन शॉट ले लेना है और उसे यहाँ पर गैलरी पर क्लिक करके और ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ऊपर की ओर एक लाइन लिखी हुई मिल जाती है, ब्रीफली एक्सप्लेन व्हाट हैपन और व्हाट्स नॉट वर्किंग। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको इशू लिख देना है, जो भी प्रॉब्लम से रिलेटेड है उसे यहाँ पर आपको इंग्लिश में लिख देना है। एज यू विश, आप जो चाहें वो भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, बट मैं आपको बता देती हूँ क्या लिखना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको लिख देना है, हाय इंस्टाग्राम टीम, माय इंस्टाग्राम चैट स्वाइप रिप्लाई ऑप्शन इज़ नॉट अवेलेबल, सो प्लीज़ प्रोवाइड मी दिस ऑप्शन एज सून एज पॉसिबल एंड थैंक यू। इतना लिखने के बाद है फ्रेंड्स, आपको ऊपर की ओर नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, सेंड रिपोर्ट एंड डोंट सेंड रिपोर्ट। तो आपको फ्रेंड्स सेंड रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। सेंड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद है फ्रेंड्स, वो इंस्टाग्राम टीम के पास है फीडबैक चला जाएगा और वो 1 या 2 डेज़ के अंदर या कुछ ही टाइम के अंदर आपको इंस्टाग्राम चैट के अंदर स्वाइप रिप्लाई ऑप्शन प्रोवाइड कर देंगे। सो इस तरीके से आप भी इंस्टाग्राम में स्वाइप रिप्लाई का ऑप्शन ला सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है सो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।